पण दिसतो तो असंबंधात असणारा एकच स्वरलतेचा सूर आणि तो सप्त सुरातून ही चिरंतन प्रेरणा अशीच कायम राहावी याकरता दिदी आपल्याला ही मानवंदना. आज शासकीय इतमामात या ठिकाणी स्वरचंद्रिका स्वरलंकार भारतरत्न गानकोटिया गानसम्राट आता वैदिक पद्धतीनं त्या अंतिम विधीला शिवतीर्थावर इथे सुरुवात होते. अनेक मान्यवरांनी भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी, राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, अन्य सर्व मंत्रीगण, पर्यटन मंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे. आज शासकीय इतमामात या ठिकाणी स्वरचंद्रिका स्वरलंकार भारतरत्न गानकोटिया गानसम्राट आता वैदिक पद्धतीनं त्या अंतिम विधीला शिवतीर्थावर इथे सुरुवात होते. अनेक मान्यवरांनी भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी, राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, अन्य सर्व मंत्रीगण, पर्यटन मंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे. आज के वीडियो में आपको श्रद्धा कपूर की लता मंगेशकर के साथ लास्ट इमोशनल मीटिंग के बारे में बताएंगे. वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें. जैसा कि आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर को कुछ समय पहले कोविड हुआ था और उन्हें बीच क्रैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर वो कई दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी. लेकिन अब एक सैड न्यूज सामने आ रही है कि लता मंगेशकर की डेथ हो चुकी है. कल सैटरडे को उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी और उन्हें फिर से आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर रख दिया गया था. डॉक्टर जो लता दी की ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका कहना था कि लता दी की कंडीशन ठीक नहीं है. 92 इयर्स ओल्ड लता दी की तबीयत बिगड़ने पर उनकी बहन आशा भोसले, उषा मंगेशकर और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और कल सारा दिन उन्होंने हॉस्पिटल में ही गुजारा है. श्रद्धा कपूर को भी जब लता मंगेशकर की हालत के बारे में पता लगा तो वो भी हॉस्पिटल चली गई. श्रद्धा कपूर अपने हॉस्पिटल विजिट पर बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रही थी. उन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्ट नहीं किया और वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर चली गई. लता दी की कंडीशन डिटेरियोरेट होने के बाद श्रद्धा कपूर से रहा नहीं गया और वो लता दी से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गई. वो बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रही थी. लेकिन अब सुबह सुबह एक न्यूज़ आई है कि लता दी हम सब में नहीं रही. लता दी 92 ईयर्स ओल्ड थी और वो काफ़ी समय से कोविड का शिकार थी. कोविड के साथ साथ उन्हें नमूनिया भी हो चुका था और उनकी तबीयत काफ़ी समय से संभल चुकी थी. लेकिन फिर कल एकदम से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अब वो हम सब में नहीं रही हैं. लता दी की हेल्थ को लेकर पूरा देश उनके लिए टेंस था और उनके लिए प्रेयर्स कर रहा था. लेकिन अब लता दी हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं. श्रद्धा कपूर भी लता दी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और वो उनसे मिलने हॉस्पिटल भी स्पेशल इसीलिए आई कि वो लता दी के मिलना चाहती थी और चाहती थी कि वो जल्द ठीक हो जाएं. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये लता दी के साथ उनकी लास्ट मीटिंग होगी. आपको श्रद्धा कपूर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा.